पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के रमणीक पर्यटक स्थल त्रियुंड जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी गई है। एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बिगटा ने बताया कि धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी के बीच इस पर्यटन स्थल पर गाइडों की मदद से कई ट्रैकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने ऐसे ट्रैकरों व गाइडों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है। उधर बर्फबारी के चलते आदि हिमानी चामुंडा ना जाने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि मंदिर के कपाट खुले हैं और लोग आ जा रहे हैं। देखिए, आदि हिमानी चामुंडा को लेकर तो हमारे टेंपल ऑफिसर ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि वहाँ मंदिर है, मंदिर के कपाट भी खुले हैं और लोगों का आना जाना भी है। तो एडवाइजरी का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग ना जाएं, अपनी जान को जोखिम में ना डालें। उसके अतिरिक्त धर्मशाला में त्रियुंड ट्रैक है, वहाँ गलू के रास्ते पे तो हमारी पुलिस चेक पोस्ट है, लेकिन अमूमन ये पाया गया है कि जो ट्रैकर्स हैं वो अल्टरनेट रास्ते से ऊपर त्रियुंड की तरफ ट्रैकिंग करने चले जाते हैं, जो हमारी नॉलेज में नहीं आता। इसमें कई बार हमारे लोकल गाइड्स और ट्रैवल एजेंसीज इत्यादि हैं, वो भी उनकी संलिप्तता पाई गई है। DTDO महोदय को इस बारे में बताया गया है और आज हमारे कार्यालय से एक आदेश भी निकल रहे हैं DTDO साहब को, यदि इसमें हमारा कोई लोकल व्यक्ति या गाइड इस तरह से संलिप्त पाए जाते हैं तो इस बार हम उनके ऊपर कार्यवाही के साथ साथ FIR भी दर्ज करवाएंगे।